1961 में अखबार में एक झूठी एड दी गई कि आपको एक घंटे के $4 दिए जाएंगे अगर आप एक टीचिंग एक्सपेरिमेंट करने में हमारी सहायता करेंगे। असलियत में ये एड येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ने दी थी, जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि क्या किसी इंसान को बिना धमकाए उससे क्रूरता कराई जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में 3 किरदार थे। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने एड का जवाब दिया, उन्हें कहा गया कि भाई आपने टीचर का रोल निभाना है और जब आपके पूछे सवाल का जवाब स्टूडेंट गलत देता है तो आपको उसको बिजली का एक झटका देना है। दूसरा किरदार था स्टूडेंट, जो कि असल में एक एक्टर था और उसने बिजली का झटका लगने की एक्टिंग करनी थी। तीसरा किरदार थे प्रोफेसर साहब खुद। अब उनका क्या रोल था ये आपको आगे समझ आएगा। बिजली का झटका देने वाली मशीन अपने आप में एक भारी भरकम किरदार था। 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक का झटका देने के लिए इसमें अलग अलग बटन लगे थे। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब टीचर को 45 वोल्ट का एक झटका देते थे ताकि उसको पता लग जाए कि बिजली का झटका कैसा महसूस होता है। साथ ही साथ उसे ये भी बता दिया जाता था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट छोड़ के बीच में जाता है तब भी उसको $4 पूरे मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और स्टूडेंट को जैसा समझाया गया था उसने एक के बाद एक गलत जवाब देने शुरू कर दिए और टीचर को जो इंस्ट्रक्शन दी उसने हर गलत जवाब पे वोल्टेज बढ़ानी शुरू कर दी। वोल्टेज 75 वोल्ट पहुंचने पर स्टूडेंट ने कराहने की आवाज निकाली। टीचर हिचकिचाया और उसने प्रोफेसर साहब की ओर देखा। प्रोफेसर साहब ने रटा रटाया जवाब दिया, जब तक ये सीख नहीं लेते आप कंटिन्यू करिए। 120 वोल्ट पर स्टूडेंट ने प्लान के मुताबिक कंप्लेन किया, ये झटके दर्दनाक हैं। टीचर ने प्रोफेसर साहब के सामने यही बात दोहराई और प्रोफेसर साहब ने कहा हम एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं सकते। जब वोल्टेज 300 तक पहुंची तो स्टूडेंट ने फिर से प्लान के मुताबिक कहा मुझे इस एक्सपेरिमेंट का भाग नहीं बनना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टीचर ने प्रोफेसर साहब को कहा कि भाई इसे कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए। प्रोफेसर साहब ने कहा आप डरिए मत, जिम्मेदारी मेरी है। एक एक करके 40 आम लोग जिन्होंने एड का जवाब दिया था उन्हें टीचर के रोल में परखा गया। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब का अनुमान था कि 40 में से शायद एक या दो लोग ही होंगे जो 450 वोल्ट की लिमिट तक जाएंगे, पर इन 40 में से 40 300 वोल्ट की लिमिट तक गए और 40 में से 25 450 वोल्ट की आखिरी लिमिट तक। अब क्यों ये सब लोग एक मासूम स्टूडेंट को बिजली का झटका देने के लिए तैयार हो गए और क्यों इनमें से अधिकांश लोग 450 वोल्ट की हद तक चले गए, प्रोफेसर साहब ने इसके 2 कारण दिए, पर मेरी रुचि उन 15 लोगों में ज़्यादा है जिन्होंने एक समय पर दबाव से बाहर आके एक्सपेरिमेंट रोक दिया और हम उनसे अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं। पर पहले प्रोफेसर साहब का निष्कर्ष सुन लेते हैं। उनके अनुसार पहले घर में, फिर स्कूल में और फिर दफ्तर में हमें अपने से बड़े ओहदे वालों की कहना मानने की इतनी आदत हो जाती है कि उनके विरुद्ध जाना, चाहे वो टीचर हो, अफसर या ताऊ जी, हमें एक गिल्टी फील कराता है और ये गिल्ट इतना बड़ा होता है कि इसके सामने किसी अनजान को दर्द देने का दुख भी छोटा पड़ जाता है। और इसीलिए 40 के 40 लोग स्टूडेंट को बिजली का झटका देने के लिए तैयार हो गए, पर जो लोग एक्सपेरिमेंट में 450 की आखिरी हद तक बने रहे वो इसलिए कि भाई जिन फैसलों के नतीजे की जिम्मेदारी कोई और उठाने को तैयार हो जाए हमारे लिए वो फैसले लेना आसान होता है। अब ये कारण ध्यान देने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप और मैं शायद ही अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में पाएं जहाँ पे कोई बड़ा हमें किसी और को बिजली का झटका देने को या गला दबाने को कह रहा हो, पर इसी कारण की वजह से बहुत बारी हम अपनी सही गलत की समझ के विरुद्ध अपने फैसलों का, अपने सपनों का गला दबा देते हैं, फिर वो चाहे करियर का चुनाव हो या जीवन साथी का। अब भाई आर्ट्स करने के बाद अगर मैं बेरोजगार घर बैठा हूँ तो पिताजी झट कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था इंजीनियरिंग करो, पर अगर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं घर बेरोजगार बैठा हूँ तो वो सांत्वना देंगे कि भाई देर सवेरे नौकरी लग जाएगी। अब भाई लव मैरिज अगर काम नहीं करती तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सर है, पर अगर अरेंज मैरिज विफल होती है तो हम उसका दोष पेरेंट्स पे मढ़ सकते हैं। तो जिस दबाव में बाकी लोग अंत तक बने रहे, कैसे ये 15 लोग उस दबाव से बाहर आ गए? फर्क सिर्फ एक, बाकी लोगों की अपेक्षा प्रोफेसर साहब से थी कि भाई वो देख समझकर एक्सपेरिमेंट बंद कर देंगे। इन लोगों ने जिम्मेदारी खुद पे ली और जब देखा कि पानी सर से ऊपर हो गया है तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। तो अगर जिंदगी हमें अपने सिद्धांतों के अनुसार जीनी है ना, तो हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं, जिम्मेदारी उठाना शुरू करना पड़ेगा।